जिसका नाम है कोकी, सिंधी कोकी। तो आइए देखते हैं उसकी सामग्री। देखिए ये गेहूं का आटा है, करीबन एक बड़ा बाउल भर के। इसका तीसरा हिस्सा चने का आटा है, हरा धनिया कटा हुआ, ये दो प्याज है एकदम बारीक काटे हुए, ये तीन मिर्चे जिसे हमने एकदम बारीक काट लिया है, यह थोड़ी सी अजवाइन है भुनी हुई, धनिया जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, स्वाद अनुसार नमक है, ऑयल है, पानी है, और ये बाउल है जिसमें हम आटा गूंथेंगे। तो देखिए ये एक्चुअली जैसे हम बोल सकते हैं प्याज धनिया के परांठे, बट नहीं, ये परांठे जैसा भी नहीं, ये एकदम अलग ही है। ये बहुत टेस्टी होती है, इसे हम ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं, इसे बना के हम दो दिन नाश्ते में खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करेंगे। गेहूँ का आटा ले लेंगे, थोड़ा सा हम बचाएंगे ऊपर से लगाने के लिए हमें लगेगा, तो थोड़ा सा हम इसमें रख देंगे गेहूं का आटा। चने का आटा हम पूरा ले लेंगे। इसी के साथ हम ले डाल देंगे इसमें नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इसमें डाल देंगे हम हल्दी, हल्दी हम पूरी डाल देंगे क्योंकि हमने ये कम ही ली है। लाल मिर्च डाल देंगे, ये भी आप अपने हिसाब से डालिए जितना तीखा चाहते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी रखी है इसलिए हमने लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। धनिया जीरा पाउडर हमने पूरा डाल देना है, इसी के साथ हमने अजवाइन डाल देनी है पूरी, प्याज डाल देना है पूरा इसमें। इसके ऊपर से हमने हरा धनिया डाल देना है, हरा धनिया इसमें बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे धनिया। अब हम इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है ऊपर नीचे। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, इसमें ऑयल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऑयल की वजह से ये बहुत क्रिस्पी भी रहती है और लॉन्ग टाइम तक टिकती भी है। हम इसे आराम से 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं। देखिए हमने करीबन इसमें 5 चम्मच डाल दिया, और पानी है जो वो हम अपने तमाम ऑयल डाल के थोड़ा सा फिर से मिक्स कर रहे हैं इसको। अब हम पानी डालेंगे, वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि यह आटा है जो हमें कड़क गूंदना है, हमने रोटी के आटे की तरह इसे सॉफ्ट नहीं रखना है, ये थोड़ा कड़क ही रहता है और बहुत ज़्यादा मलना भी नहीं है इसे, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मलना है। अब हम इसे थोड़ा हाथ में पानी लेंगे और मलना चालू करेंगे। देखिए इस तरह इसे धीरे धीरे मलना है, बहुत कम पानी डाल डाल के, और बीच में हम चाहिए वैसा थोड़ा सा ऑयल भी अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा। देखिए और इसे इस तरह से मलते रहेंगे, ज़्यादा नहीं, जब तक ये पूरा एक साथ मिक्स ना हो जाए इस तरह से, और हमने इसे सॉफ्ट नहीं रखना है, हमने इसे हार्ड ही रखना है। बस ये अब करीबन हो रहा है कि 2 मिनट में ये मल के हमारा आटा तैयार हो जाएगा। देखिए बस इस तरह से ये हमारे हाथ में आ रहा है ना, मुट्ठी में, बस अब ये होने वाला है। इसमें पानी नहीं हमने और डालना है, बस इससे हल्का सा हाथ में पानी लेके पूरा इसे गूंद डालना है, बस इस तरह पूरा गूंद लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारा आटा एकदम कड़क होना चाहिए, ये आटा हमारा रेडी हो गया बनके। देखिए अब हम इसका गोला बना लेंगे। देखिए इस तरह से आप बड़ा सा गोला बनाना है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा ही बनेगा, इस तरह से हमने गोला बना लेना है, और हमने थोड़ा सा आटा ले लेना है सूखा इसे बेलने के लिए। पहले हम इसे हाथ से इस तरह से कर लेंगे और इसे धीरे धीरे बेलना चालू करेंगे। ये बहुत कड़ा और क्रिस्पी आटा है इसलिए ये थोड़ा थोड़ा साइड से ऐसे ही ब्रेक होगा, इसे हमने ऐसे सेट करना है साथ साथ। देखिए इस तरह से घुमा घुमा के, देखिए इस तरह से हमने इसे घुमा घुमा के बेल लेना है।
देखिए इस तरह से धीरे धीरे हमने बेलना है। ये आटा हमारा बहुत कड़क है इसलिए ये हमारा साइड से थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। हमने इसे इस तरह से हाथ से सेट करते रहना है साथ साथ में। और देखिए इसके अंदर हमने फॉक से इस तरह से होल कर लेने ताकि ये फूले नहीं। इस तरह से देखिए ये हो गया। आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर आप बहुत इससे भी बड़ा गोला लेंगे तो बड़ा बन जाएगा। बस हम इसे इतना ही बनाएंगे और इसे अब हम तवे पे रख देंगे। आइए गैस को ऑन कर देते हैं, तवा चढ़ा देते हैं। थोड़ा सा तवा गर्म होने तक हम दूसरा गोला बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने उसी साइज का हमारा दूसरा गोला भी बना लिया है। अब हमारा तवा गर्म हो गया थोड़ा, हम इसे हल्के हाथ से ऊपर रख देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से। देखिए देखिए इसे एक तरफ से थोड़ा पकने लग जाएगा, उसके बाद इसे हम पलटी मार देंगे। थोड़ा सा हम ऑयल भी डाल देंगे इस तरह से। अब हम चेक करते हैं हमारा एक तरफ से पक गया तो हम इसे, हाँ ये हमारा थोड़ा थोड़ा सा पक गया है। अगर ये थोड़ा ब्रेक हो रहा है तो हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम इस पर तेल डाल देंगे। आप तेल घी जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। मैं इधर तेल लगा रही हूँ और इसके ऊपर से हम घी और बटर लगाएंगे। आप चाहे तो फ्राई भी ऑयल से, बटर से, घी से, जिससे चाहे कर सकते हैं। इसे हमने बहुत अच्छी तरह से सेकना है। अब हम इसे फिर से पलट देंगे। अब हम इस तरफ भी ऑयल लगा देंगे इसकी। और इसे अच्छी तरह से सिकने देंगे। जब तक ये हमारा अच्छी तरह सिक रहा है हम हमारा दूसरा गोला भी ले लेते हैं थोड़ा सा बेलने के लिए। देखिए इस तरह से इसे पहले हाथ से ही कर लेते हैं। आइए हम बीच में इसे भी चेक कर लेते हैं एक तरफ से। यह हाँ देखिए यह करीब फ्राई हो रहा है अच्छी तरह से एकदम। देखिए अच्छी तरह से रोस्ट हो रहा है। थोड़ा सा ऑयल और लगाएंगे इस पर, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन यह बहुत टेस्टी बनता है खाने में, एकदम क्रिस्पी। चलिए इस तरफ भी जब तक ये सिक रहा है हम इसे बना लेते हैं, बेल लेते हैं इसे भी हल्के हाथ से। आप अगर हाथ से थाप सकते हो तो आप हाथ से भी थाप सकते हो इसे, नहीं तो आप बेल भी सकते हो। चलिए हम चेक करते हैं। देखिए हमारी कितनी बढ़िया क्रिस्पी है, पोकी बनके रेडी हो गई है। देखिए इसमें भी हम फॉक के साथ इस तरह से होल कर देंगे देखिए, ताकि ये फूलती नहीं है। और इसका एक रीज़न ये है कि ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाती है। तो चलिए हम इसे उतार देंगे। ये एकदम हमारी रेडी हो गई है कोकी, एकदम क्रिस्प। देखिए बहुत ही क्रिस्प बन गई है दोनों तरफ से, ये देखिए एकदम बढ़िया। अब हम इसे उतार लेंगे और हमारी दूसरी कोकी को चढ़ा देंगे। इसे हमें इस तरह से उतार लेना है। इसी के साथ हम हमारी ये दूसरी कोकी भी पकने के लिए चढ़ा देंगे। देखिए ये बहुत जल्दी ब्रेक होता है आटा, इसे आपको तवे पे इस तरह सेट कर देना है क्योंकि इसमें हमने ऑयल डाला है और पानी कम डाला है, इसलिए यह आटा बहुत खस्ता और क्रिस्प हो जाता है। तो आप इसे इस तरह हाथ से सेट कर लीजिए तवे पे, कोई बात नहीं, बस इसे पकने दीजिए। देखिए ये हमारा सिक रहा है, बस इसी तरह हम हमारे बाकी की कोकी भी बना लेंगे। देखिए ये हमारी सिंधी कोकी बनके रेडी हो गई है। देखिए आप इसे इस तरह से बनाइए, उस पर देसी घी लगाइए या बटर लगाइए। आप इसे दही से खा सकते हैं, सूखी मेथी की सब्जी से खा सकते हैं, आप इसे ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। ये 2 से 3 दिन तक बहुत अच्छी रहती है, तो आप इसे घर में ट्राई कीजिए, देखिए आपको कैसी लगी। और फिर मेरे वीडियो को आप अगर पसंद करें तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। तो चलिए अगली रेसिपी में फिर से मिलती हूँ। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।